अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिटनेस विद केयर चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम जिंस परस्ती करना कैसा है। आज कल लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ सेक्स करती हैं, तो ऐसा करना ठीक है या नहीं, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ये आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा ऐसी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक ये है कि हम जिंस परस्ती करना कैसा है। औरतें औरतों से तस्कीन हासिल करती हैं और मर्द मर्दों से तस्कीन हासिल करते हैं। वो एक दूसरे को किसिंग करते हैं और हाथ की मदद से एक दूसरे को डिस्चार्ज करते हैं। इसके अलावा मार्केट में डमीज भी मिलती हैं जिसको यूज करके सेक्स किया जाता है। जो ऐसी औरतें होती हैं वो मर्दों को पसंद नहीं करती और ना ही मर्दों में दिलचस्पी लेती हैं और इनका रुझान सिर्फ औरतों की तरफ होता है। और जो ऐसे मर्द होते हैं, जो लड़के ऐसे होते हैं, वो सिर्फ लड़कों को ही पसंद करते हैं और वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं, चूसते हैं और इस तरह अपनी जिंसी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, जो कि टोटली गलत है। इसके बाद मेडिकली भी इसके नुकसानात बताए जाते हैं। इसको इस्लाम में तो टोटली हराम करार दिया गया है, बिल्कुल नाजायज है और गुनाह कबीरा है। और मेडिकली भी ये बहुत खतरनाक अमल है, इसके मेडिकली भी बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। इससे जिस्म में कमजोरियां पैदा होती हैं, आपके पट्टे और एसाबी कमजोरी पैदा होती है, तो इसलिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी मना करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।